हम लोगों ने अभी तक सेंट्रल एक्साइज लॉ में क्या देखा, एक बार तो रिवीजन बनता है ना। और जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा दैट वाज ओनली द इंट्रो पार्ट ऑफ सेंट्रल एक्साइज लॉ। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इन डिटेल्स। देखते हैं क्या देखा था हम लोगों ने। हम लोगों ने देखा कि हम लोग को सेंट्रल एक्साइज लॉज पढ़ने हैं। उन लॉज में हमारा सबसे पहला आता है सेंट्रल एक्साइज एक्ट। क्या आता है? सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944। ये बताता है व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या किया जाए और क्या, हाँ इनको फॉलो करते हुए रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? एक्साइज रूल्स। अच्छा, ये रूल्स कौन कौन से होंगे मैंने कुछ डिटेल में नहीं बताया था और ना आज मैं बताने जा रहा हूं। वैल्यूएशन रूल्स हम लोगों को देखने हैं। कौन से रूल्स? वैल्यूएशन रूल्स देखने हैं। एक्साइज रूल्स, सेंट्रल एक्साइज रूल्स 2002। सेंट्रल एक्साइज अपील रूल्स देखने हैं। एडवांस रूलिंग रूल्स देखने हैं। सेटलमेंट ऑफ केसेस रूल्स देखने हैं। तमाम तरह की रूल्स देखने, अभी दो तीन और हैं। हम लोगों को रूल्स के अलावा सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट की भी बात करनी है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में सीटा 1985 बोलते हैं। नोटिफिकेशंस देखने हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज करती है। सर्कुलर्स देखने हैं जो CBEC सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम रिलीज करता है। ट्रेड नोटिसेस देखनी है। एंड लास्ट वन इज डिसीजंस, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे वो हाई कोर्ट का हो और चाहे वो ट्रिब्यूनल का हो। ये बताया था मैंने, ये भी बताया था कि सेंट्रल एक्साइज एक्ट हम लोग का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है। कौन सा एक्ट है? सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है। नोट हो गया होगा। और इस एक्ट के लिए जो कोई भी टैक्सेशन सिस्टम होता है ना, गवर्नमेंट ऐसे नहीं लॉन्च कर सकती कि चलो तुम्हारे ऊपर ये टैक्स लगा दिया गया, चलो तुम्हारे ऊपर ये टैक्स लगा दिया। गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। और मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि मुझे आप लोगों को डिटेल में बताना है कि ये लिस्ट क्या होती है। एक आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 246, और वो आर्टिकल एम्पावरमेंट देता है, एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू मेक द रूल्स रिगार्डिंग द इम्पोजिशन ऑफ अ टैक्स। ये आर्टिकल 246 सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट देता है कि आप टैक्सेशन को इम्पोज कर सकते हैं। तीन तरह की लिस्ट बनी हुई है। कितने तरह की लिस्ट बनी हुई है? पहली लिस्ट होती है जिसको हम लिस्ट वन, लिस्ट टू एंड लिस्ट थ्री के नाम से जानते हैं। जो लिस्ट वन होती है इसको हम यूनियन लिस्ट बोलते हैं।
लिस्ट टू को हम स्टेट लिस्ट बोलते हैं और लिस्ट थ्री को कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं, और एम्पावर किया गया है आर्टिकल 246 के जरिए कि गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज कर सकती है अंडर आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इज इट क्लियर? लिस्ट वन में सेंट्रल गवर्नमेंट नाम है यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट लिखना बाद में, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि आप टैक्स को इम्पोज कर सकते हैं, लेवी कर सकते हैं। लिस्ट टू में स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि आप टैक्स को इम्पोज कर सकते हैं होल इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इंडिया। बोलो ना, स्टेट गवर्नमेंट को पावर मिला है टैक्स इम्पोज करने के लिए या तो होल स्टेट में और पार्ट ऑफ द स्टेट में, बोलो ना। और तीसरी लिस्ट आपकी कहलाती है कंकरेंट लिस्ट, जिसमें सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिल करके एम्पावर, एक तरह से पावर दिया गया है कि आप दोनों लोग आपसी सहमति से टैक्स को इम्पोज कर सकते हैं होल इंडिया में और पार्ट ऑफ द इंडिया में, इंक्लूडिंग अ पार्ट ऑफ द स्टेट और अ एन एसटी। चले, कहने का मतलब ये कि ये तीन लिस्ट हैं हमारे पास। कितने लिस्ट हैं? तीन लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को पावर है। एंट्री नंबर 84 है, ढंग से सुनेंगे। एंट्री नंबर 84 के जरिए, एंट्री नंबर 84 के जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने इस अधिकार का सदुपयोग किया। एंट्री नंबर 84 के थ्रू गवर्नमेंट ने, कौन सी गवर्नमेंट ने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज को इम्पोज किया। और वो तीन लाइनें मैं बहुत अच्छी, मैं पढ़ूंगा और तुम लोग बहुत अच्छी तरह से समझना कि वो तीन लाइनें क्या बोलता है। इसमें से कुछ चीज़ हटेगी, वो तुम लोग बताओगे क्या। ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन टोबैको, शुरुआत ही तंबाकू से हुई है। शुरुआत कहाँ से हुई है? थोड़ी देर बाद हम लोग दारू पर भी पहुँचेंगे। ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन टोबैको एंड अदर मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, प्रोड्यूस गुड्स इन इंडिया। अरे सीधे बोल देते, सारे गुड्स जो इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड। टोबैको को अलग से लिखा था, जरूर इसमें कुछ खास है, जरूर इस तंबाकू में कुछ कहां से। एक्सेप्ट, मैं फिर से पढ़ता हूं, ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन टोबैको एंड अदर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस इन इंडिया एक्सेप्ट, इनको छोड़ दो। यानी एक्साइज ड्यूटी लगेगी इंक्लूडिंग टोबैको, लेकिन इन पर नहीं लगेगी। मैंने कहा ना तंबाकू के बाद क्या आएगा, नंबर वन ये चीजें नहीं आएंगी इस एरिया में। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है इन पर, सेंट्रल एक्साइज एंट्री नंबर 84 के जरिए ड्यूटी लगाने का। अल्कोहलिक लिकर्स, दारू, फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अब जानवरों को पिलाओ बात दूसरी है, लेकिन फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इट इज नॉट अलाउड। एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी अल्कोहलिक लिकर पर। मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला एंट्री नंबर 84 के थ्रू जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यूटी लगाती है उसमें अल्कोहलिक लिकर पर टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब उस पर स्टेट गवर्नमेंट को पावर है, होगा, हो सकता है, लेकिन इसमें वो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं। टोबैको पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तंबाकू के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है,
लेकिन अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए उसके पास पावर दूसरा। मेडिसिन ओपियम अफीम इंडियन हैम्प भांग एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स और दूसरी नशीली वस्तुएं, इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर किसमें? एंट्री नंबर 84 में। तो हो सकता है ये स्टेट मैटर हो, हो सकता है ये स्टेट मैटर हो, यानी एंट्री नंबर 84 में ऑल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन इंडिया इंक्लूडिंग टोबैको एक्सेप्ट, अल्कोहलिक लिकर दूसरा, ओपियम इंडियन हैम्प एंड नार्कोटिक्स। नार्कोटिक थिंग्स और आइटम्स, इज इट क्लियर? बोलो भाई। हाँ बोलो, समझ में आई बात? एंट्री 84 में हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया लेकिन अल्कोहलिक लिकर का पावर नहीं है, नार्कोटिक ओपियम और इंडियन हैम्प से रिलेटेड पावर नहीं है, ये स्टेट मैटर हो सकता है। अब मैं जो वर्ड बोलने जा रहा हूँ जरा ढंग से सुनना, मैंने क्या वर्ड लिखा है? क्या स्टेट एक्साइज भी है क्या? है। अब तुम लोग सुनो, केवल सेंट्रल एक्साइज नहीं होती, स्टेट एक्साइज भी होती है अगर ये स्टेट मैटर है तो। अब समझ में आई बात? आएंगे देखेंगे उस चीज को। फिलहाल यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। आर्टिकल 246 में हमें पावर दिया गया है, गवर्नमेंट्स को पावर दिया गया है टैक्स इम्पोज करने के लिए, जिसमें तीन लिस्ट है, लिस्ट वन, लिस्ट टू, लिस्ट थ्री। लिस्ट वन आपका यूनियन लिस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है, जिसका यूज करते हुए एंट्री नंबर 84 के थ्रू एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है। लिस्ट टू आपका स्टेट लिस्ट है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया गया, और लिस्ट थ्री आपका कंकरेंट लिस्ट है जिसमें दोनों गवर्नमेंट मिल करके आपस में डिसाइड करते हैं टैक्स लगाने के लिए। इज इट क्लियर? अच्छा, अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ, एंट्री नंबर 84 एक्सेप्ट तो हो गया, लेकिन इसमें इंक्लूड करेंगे, जानते हो क्या चीज इंक्लूड करेंगे? इंक्लूडिंग मेडिसिनल, मेडिसिनल। अच्छा, अगर हम कोरेक्स लेने जा रहे हैं मार्केट में, खांसी की दवा, उसमें लिखा रहता है अल्कोहलिक आइटम रहता है उसमें, इंग्रेडिएंट्स में शामिल रहता है, तो अब बताओ वो स्टेट मैटर है या सेंट्रल लेवल का मैटर है? वो सेंट्रल लेवल का मैटर है, क्योंकि मेडिसिनल आइटम कैन नॉट बी सेड दैट इट इज अल्कोहलिक थिंग, इट इज नॉट एन अल्कोहलिक लिकर, इट इज अ मेडिसिन, इट्स अ मेडिसिन। तो कहा गया मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपेरेशंस कंटेनिंग अल्कोहल और एनी सब्सटेंस स्टेटेड बिफोर। तो कोई भी आइटम, चाहे वो टॉयलेट प्रिपेरेशन से रिलेटेड हो या मेडिसिनल आइटम हो, अगर उसमें लीकर या ओपियम कह सकते हो या नार्कोटिक आइटम्स शामिल हो, बावजूद इसके वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर में आएगा, ठीक है ना? तो इंक्लूडिंग मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस।
हटा सकते हैं। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको नहीं बताया था, मैंने कहा था नेक्स्ट क्लास में हम इस पर डिस्कस करेंगे। हटा दें अब, समझ में आया? सुन लेंगे इधर। मेडिसिन से रिलेटेड प्रोडक्ट, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स, टाइप्स ऑफ ड्यूटीज की बात करते हैं। कौन कौन सी ड्यूटीज हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में? टाइप्स ऑफ ड्यूटीज, पहला बेसिक एक्साइज ड्यूटी, जिसको हम बेड भी बोल सकते हैं, और इसका दूसरा नाम है सैनबेड। कंफ्यूजन, सैनबेड लिखने से कोई कंफ्यूजन? मैंने सैनबेड लिखा है, सैनबेड क्रेडिट नहीं लिखा है। सैनबेड का मतलब होता है ड्यूटी, और सैनबेड क्रेडिट का मतलब होता है ड्यूटी का रिफंड, इनडायरेक्टली कह सकते हो रिफंड, या उसका बेनिफिट लेना। तो हम यहां केवल वर्ड यूज कर रहे हैं क्या? और जब भी सैनबेड का नाम आएगा, इसका मतलब हम बेसिक एक्साइज ड्यूटी की बात कर रहे हैं। और आज की डेट में जो बेसिक एक्साइज ड्यूटी है, दैट इज एज एट द रेट ऑफ 12.5%। इंपॉर्टेंट चीज है, नॉर्मली ऑन ऑल गुड्स इट इज 12.5%। और इस 12.5% में ख्याल रखना, नो एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस। नाउ 100% exempt। पहले हम लोग 12% ड्यूटी रखते थे नॉर्मली, और 12% के ऊपर एक्स्ट्रा 2% एंड 1% चार्ज करते थे एजुकेशन सेस का 2% और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन का 1% चार्ज किया जाता था। लेकिन अब ये चीजें हट गई हैं। नाउ द नेट ऑफ 12.5% टैक्स रेट इज देयर नॉर्मली ऑन ऑल गुड्स। यहां तक कोई दिक्कत है? दिस इज नोन एज बेसिक एक्साइज ड्यूटी। स्पेसिफिक एक्साइज ड्यूटी, स्पेसिफिक या स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, अब तंबाकू स्पेशल लिखा था, मैंने कहा था कुछ तो खास है इसमें, और यही है खास इसमें। मैंने कहा था ना कुछ तो खास होगा इसमें, खास चीज़ आ गई। कौन सी खास चीज़ आ गई? इसमें एक खास तरह की ड्यूटी अलग से लगती है। पान मसाला कार वगैरह पर हमारा स्पेशल एक्साइज ड्यूटी लगता है, सारे आइटम्स पर नहीं, ऑन स्पेशल आइटम्स पर, सम स्पेसिफिक आइटम्स लाइक पान मसाला कार एक्सेट्रा। सब पर नहीं, कौन कुछ खास चीजों पर हमारा ये स्पेशल एक्साइज या स्पेसिफिक एक्साइज ड्यूटी लगती है, सब पर नहीं। यहां तक किसी को दिक्कत? तीसरा है एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज। हम लोग टाइप्स पढ़ रहे हैं, आएगा एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज।
टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स सुन लेंगे। एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल एक्ट बना हुआ है 1978 का, उस पर लगता है हमारा एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज। लेकिन नॉर्मली आज की डेट में नाउ इट इज एग्जेम्प्ट। आज की डेट में ये क्या है? एग्जेम्प्ट। अरे इधर देख लो, हड़बड़ी नहीं है लिखने की। एक और एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज है, गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस, गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस। इसके लिए एक्ट बना हुआ है, टैक्स एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस एक्ट 1957। इसका जो एक्ट था वो 1978 है और इसका जो एक्ट है वो है 1957। तो एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस एक्ट 1957, और आज की डेट में ये भी 100% क्या है? नॉर्मली एग्जेम्प्ट है। नाउ इट इज एग्जेम्प्ट। एक और एक्साइज ड्यूटी लगती है, एनसीसीडी, नेशनल कैलेमिटी कंट्रोल, नेशनल कैलेमिटी कंटिंजेंट ड्यूटी, सॉरी, नेशनल कैलेमिटी कंटिंजेंट ड्यूटी। पहली ड्यूटी थी हम लोग की बेसिक एक्साइज ड्यूटी 12.5%, अलग से कोई इसमें सेस, एजुकेशन सेस वगैरह नहीं लगेगा, नॉर्मली हर गुड्स पर लगता है। स्पेशल एक्साइज ड्यूटी स्पेसिफिक आइटम्स पर लगता है, पान मसाला, कास्ट, टोबैको एक्सेट्रा। गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस 1957, उस पर लगता है, नॉर्मली आज की डेट में ये एग्जेम्प्ट है। टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल एक्ट 1978, आज की डेट में नॉर्मली ये सब पर एग्जेम्प्ट है। एनसीसीडी ये लगता है कुछ खास चीज़ों पर, नेशनल कैलेमिटी, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। अब प्राकृतिक आपदा लाने में वो लोग बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो नहीं समझे, तो जो लोग तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, हाँ या ना, डोमेस्टिक क्रूड ऑयल और मोबाइल फ़ोन पर बात करते हैं, इनके ऊपर लगाया गया है, क्योंकि आपकी जो मोबाइल फ़ोन की बैटरी होती है वो भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को बढ़ाती है और बहुत गलत तरीके से बढ़ाती है। कहा जाता है इस बैटरी को ऐसे मत फेंको, बोला जाता है ना, उसको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करने का तरीका होता है, बैटरी को ऐसे नहीं फेंक सकते। फिलहाल तो कहा गया एनसीसीडी लगता है किस पर? पान मसाला, ब्रांडेड च्यूइंग टोबैको, सिगरेट, डोमेस्टिक ऑयल, क्रूड ऑयल एंड मोबाइल फोन्स पर, इन पर लगता है एनसीसीडी। इज इट क्लियर? नेशनल कैलेमिटी कंटिंजेंट ड्यूटी, फुल फॉर्म लिख दें, नेशनल कैलेमिटी कंटिंजेंट ड्यूटी। टोबैको, सिगरेट, मोबाइल फोन, एक्सेट्रा, क्रूड ऑयल भी है, बेसिक एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस 1957, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज आर्ट टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स 1978, एनसीसीडी, केवल पांच मैंने बताए, दो हम लोगों को मालूम है, हट चुके हैं, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस, वो भी ड्यूटी हट गई है। एजुकेशन सेस, वो भी हम लोग की ख़त्म हो चुकी है। लास्ट, क्लीन एनर्जी सेस, कौन सी? एनर्जी तो हम लोग को कोयले से ही मिलती है,
ये केवल कोल पर लगता है, 50 रुपये पर टन के हिसाब से, 50 रुपये पर टन के हिसाब से, क्लीन एनर्जी सेस 50 रुपये पर टन के हिसाब से, दैट्स इट। इन टाइप्स ऑफ ड्यूटीज में किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, इन टाइप्स ऑफ ड्यूटीज में किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। हमें नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। आपके बुक्स में 8 ड्यूटीज मिलेंगी, लेकिन 2 को हम लोगों ने यहीं पर लिख करके ख़त्म कर दिया। ठीक, बोलो, हाँ या ना, कोई दिक्कत है, कहीं किसी तरह की प्रॉब्लम है? नहीं। हाँ बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत हो तो बोलो। मैंने यही बोला, मैं बहुत टेंशन में रहता था। मैं अपनी बात अगर करूं तो मैं भी टेंशन में रहता था, मैं हमेशा कंफ्यूज रहता था, एक्साइज ड्यूटी सैंडविच कुछ समझ में नहीं आ रहा, कभी सैंडविच कभी सैंडविच क्रेडिट। उस समय मेरे सारे डाउट दूर हो गए, क्योंकि सेल्फ स्टडी थी तो ये वर्ड कहीं मिला नहीं, तो एक किताब में एक जगह मिल गया, एक्साइज ड्यूटी मीन्स सैंडविच। उसके बाद सारे डाउट्स ही खत्म हो गए। किसी किताब ने सैंडविच को 50 तरीके से लिखा है, अलग अलग, कहीं क्रेडिट जोड़ रहा है, कहीं समझ में नहीं आता था, हमें नहीं समझ में आता था सेल्फ स्टडी करते समय। लेकिन उस दिन सारे डाउट वो अंधेरे मिट गए जब हमने पढ़ा क्या, एक्साइज ड्यूटी मीन्स सैंडविच, बात खत्म। यानी सैंडविच का मतलब एक्साइज ड्यूटी होता है। अब समझ में आई बात, हाँ या ना, सैंडविच का मतलब एक्साइज ड्यूटी होता है। जब तुम लोग सर्विस टैक्स पढ़ोगे, एक्साइज ड्यूटी दोनों जब खत्म कर लोगे, तो हम लोग सैंडविच क्रेडिट रूल्स 2004 पढ़ेंगे, सैंडविच नहीं, सैंडविच क्रेडिट रूल्स 2004 पढ़ेंगे, सैंडविच रूल्स नहीं पढ़ेंगे, सैंडविच क्रेडिट रूल्स 2004 पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसी का क्रेडिट मिलेगा। वॉट एवर द अमाउंट ऑफ ड्यूटी हैज बीन पेड बाई यू, नाउ यू आर एलिजिबल टू गेट द क्रेडिट देयर ऑफ, दैट इज नोन एज सैंडविच क्रेडिट। वॉट एवर द ड्यूटी यू हैव ऑलरेडी पेड, दिस इज नोन एज सैंडविच, नाउ यू आर गोइंग टू गेट द क्रेडिट देयर ऑफ, दिस इज नोन एज सैंडविच क्रेडिट। एक्साइज ड्यूटी मीन्स हियर एक्साइज ड्यूटी, क्लियर है ना, हटा सकते हैं। क्या हो गया, क्रेडिट देते क्यों, आएगा सैंडविच क्रेडिट रूल्स में हम लोग बिल्कुल पढ़ेंगे। और हम लोगों ने अगर वैट पढ़ रखा है, तुमने क्लास देख रखा है वैट का, तो मैंने उसमें बताया था कि मल्टी पॉइंट टैक्स होता है, बार बार टैक्स, बार बार टैक्स, बार बार टैक्स, कहीं जेन्युइन है, गलत है ना। एक ही चीज पर एक ही अमाउंट बार बार टैक्स देना, वो गलत होता है। फिलहाल आएंगे वैल्यू एडेड टैक्स को, इसमें फिर से समझेंगे हम लोग सैंडविच में ये वैट का क्या मतलब है। ये वो वैट नहीं जो तुम लोग पढ़ते हो, वैट वैल्यू एडेड टैक्स, वैट का मतलब स्टेट सेल्स टैक्स, सैंडविच का मतलब सेंट्रल एक्साइज, इज इट क्लियर। चलो हम लोग जब एक्साइज की बात करते हैं, एक्साइज एक्ट की बात करते हैं, तो उसका एक चार्जिंग सेक्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लो, अंडर सेंट्रल एक्साइज एक्ट या लॉ, देयर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन गुड्स manufactured by government or non-government, कोई फर्क नहीं है। गवर्नमेंट होगी तो उसको भी ड्यूटी देनी है, नॉन गवर्नमेंट होगा तो उसको भी ड्यूटी देनी है। यहां पर हम कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे, ये गवर्नमेंट गुड्स है, ये नॉन गवर्नमेंट गुड्स है, भूल जाना आज के बाद। गवर्नमेंट गुड्स होगा अगर एक्साइज ड्यूटी की कंडीशंस को पूरा करेगा तो उसको एक्साइज ड्यूटी देनी है, नहीं करेगा तो नहीं देनी है। उसी तरह नॉन गवर्नमेंट को भी, अगर एक्साइज ड्यूटी की कंडीशंस को पूरा करता है तो ड्यूटी देनी है, नहीं करता है तो नहीं देनी है, सेम वही। तो इन दोनों में आगे से कोई फर्क मत करना कि ये गवर्नमेंट का गुड्स है या नॉन गवर्नमेंट गुड्स है,
हमने तुम लोग को बताया था कि ड्यूटी जो एक्साइज ड्यूटी होती है उसके लिए तीन कंडीशंस का होना पूरा होना जरूरी है। एक्साइज ड्यूटी तब लेवी होती है जब ये तीन कंडीशंस पूरी होती हैं। एक्साइज ड्यूटी तब लेवी होती है जब ये तीन कंडीशंस पूरी होती हैं। पहला, देयर मस्ट बी अ गुड्स, देयर मस्ट बी गुड्स। और गुड्स के लिए मैंने तुम लोग को ये बताया था कि हमारे पास सेंट्रल एक्साइज एक्ट में कहीं इसकी डेफिनेशन नहीं दी हुई है, और इसके लिए हमें डिपेंड रहना पड़ेगा सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। हाँ या ना? तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 गुड्स को डिफाइन करता है। हमें गुड्स का मतलब वहीं से ड्रॉ करना है, हमें गुड्स का मतलब वहीं से ड्रॉ करना है। पूरे सेंट्रल एक्साइज में गुड्स की डेफिनेशन कहीं नहीं दी। सेंट्रल एक्साइज में अगर डेफिनेशन नहीं दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि अब हम इधर उधर घूमते फिरें अपने मन से गुड्स का डेफिनेशन निकालें ना, हमें अब जनरल लॉ पर जाना पड़ेगा। और जनरल लॉ है हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जिसका सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 कहता है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट एक्सेप्ट। अरे क्या कर, एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, बोलो एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। वो जो तुम न्यूज़पेपर ले आए ना, वो सीएसटी में है, और सीएसटी में गुड्स की डेफिनेशन देखोगे, सीएसटी में चार्ज होता है या नहीं वहां देखोगे। हम यहाँ न्यूज़पेपर की बात करेंगे नहीं, वो सीएसटी के दायरे के बाहर है न्यूज़पेपर। इलेक्ट्रिसिटी वो सीएसटी में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी और न्यूज़पेपर को मिला करके देखा जाएगा, दोनों के बीच में डिफरेंस देखा जाएगा, देखा जाएगा। तो उस न्यूज़पेपर को मत ले आओ, उसको किनारे करो। हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी की बात कर रहे हैं, और गुड्स की डेफिनेशन बिल्कुल जनरल लॉ से निकाली गई है। गुड्स इंक्लूड्स ऑल द मूवेबल आइटम्स और ऑल द मूवेबल प्रॉपर्टी बट डज नॉट इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, बट इंक्लूड्स स्टॉक एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास एंड द थिंग्स विच आर अटैच टू द लैंड और बिकम फॉर्म पार्ट ऑफ द लैंड बट हैज बीन एग्रीड टू सीविड इट बिफोर द सेल। इज इट क्लियर? कि सेल करने के पहले उसको अलग करने का एग्रीमेंट कर लिया गया है। दैट्स इट, दैट वॉज द डेफिनेशन विच हैज बिन गिवन अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हर एक मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल गुड्स ही हमारे लिए गुड्स यहाँ काम आएगा। मूवेबल गुड्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मूवेबल गुड्स होना चाहिए। और जब गुड्स की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना, एक केस लॉ आया था दिल्ली क्लॉथ मिल का, डीसीएम का केस था, डीसीएम दिल्ली क्लॉथ मिल का केस था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली क्लॉथ मिल के केस में कि गुड्स मस्ट बी मूवेबल एंड मार्केटेबल। तो आज हम इसके बारे में भी जानेंगे, व्हाट इज मूवेबल एंड व्हाट इज मार्केटेबल। कौन सी ऐसी चीज़ है जो गुड्स को मूवेबल बनाता है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो गुड्स को मार्केटेबल बनाता है, फिलहाल थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। ये चीज़ क्लियर है? कल थे, लास्ट क्लास में थे कि नहीं थे? थे। एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है अनसिक्योर्ड लोन, लिख लो कहीं पर। तो मॉर्गेज लोन वगैरह इसमें शामिल होते हैं, लेकिन अनसिक्योर्ड लोन इसमें शामिल नहीं होंगे, देखा जाएगा। फिलहाल, देयर मस्ट बी गुड्स, गुड्स मस्ट बी प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। दूसरी कंडीशन ये है,
दो कंडीशंस अब तक हम लोगों ने देखी, देयर मस्ट बी अ गुड, गुड्स मस्ट बी प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। जब हम लोग मैन्युफैक्चर वर्ड को डिफाइन करेंगे ना, तो नाम से ही पता चल जा रहा होगा, सेक्शन 2F मैन्यू एफ पर रुक जा रहा है कि नहीं। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन एफ में डेफिनेशन दी हुई है मैन्युफैक्चर की, किस एक्ट में, इसी एक्ट में। यहाँ पर मैंने लिख दिया था सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तो वहाँ पर गुड्स की डेफिनेशन वहीं दी है। लेकिन अगर मैंने इसके साथ कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 में ही इसकी डेफिनेशन दी हुई है, जिसको हम लोग देखेंगे मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन क्या होती है। सुन, मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन समझ में आ रही बात। तीसरी कंडीशन, और सबसे इंपॉर्टेंट, गुड्स मस्ट बी एक्साइजेबल। और एक्साइजेबल गुड्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2 सबसेक्शन डी में। सेक्शन 2 सबसेक्शन डी में एक्साइजेबल गुड्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन दी हुई है। बोलो, तो हमें ये तीन चीज़ें देखनी है डिटेल में। मूवेबल क्या होता है, मार्केटेबल क्या होता है, मैन्युफैक्चर क्या होता है, और एक्साइजेबल गुड्स क्या होता है। सबसे पहले तो हम एक्साइजेबल गुड्स की बात कर लें, ताकि बहुत बड़ा जो एक प्रॉब्लम है वो किनारे हो जाए, उसके बाद छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को डील करेंगे। पीछे समझ में आ रहा है, गुड्स मस्ट बी एक्साइजेबल, इसकी डेफिनेशन किसमें दे रखी है, सेक्शन 2 सबसेक्शन डी में। किसमें, सेक्शन 2 सबसेक्शन डी में। और अब जो मैं बोलने जा रहा हूं, उसमें मैं दो वर्ड यूज करूंगा, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आगे चल करके मैं आपको बताऊंगा कि तीन शेड्यूल होते हैं। कितने शेड्यूल होते हैं, किसमें, सीटा में, सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985। इसके बारे में हम लोग क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे कि सीटा को कैसे बनाया गया है। HSN सिस्टम पर बनाया गया है। HSN का मतलब होता है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। उस बेस पर बनाया गया, कैसे बनाया गया है, कितने डिजिट्स होते हैं, कैसे उसको हम क्लासिफाई करते हैं, चैप्टर को, सेक्शंस को, नोट्स को देखेंगे। फिलहाल हम वहाँ की बात नहीं कर रहे, हम ये बोल रहे हैं कि एक एक्ट पढ़ना है हम लोग को, सीटा 1985। और तुम लोग मोबाइल में टैरिफ भरवाते हो ना, वही टैरिफ है। देखो ना, टैरिफ रेट्स, टैक्स रेट्स, यानी टैक्स रेट्स हमें कहाँ मिलेंगे, टैक्स रेट्स हमें कहाँ मिलेंगे। अगर कहता है 10% का टैक्स रेट लगेगा एक्साइज ड्यूटी का, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, वो 10% कहाँ से आया, सीटा 1985 से आया। मैंने कहा 50 रुपये पर टन के हिसाब से टैक्स लगेगा, कहाँ से आया, सीटा 1985 से आया। इज इट क्लियर। और इस सीटा 1985 को, इतनी मोटी किताब है, इसको तीन शेड्यूल्स में बांटा गया है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3। पक्की बात है ना। मैन्युफैक्चर में तुम लोग को ये सीखने को मिलेगा शेड्यूल 2 में क्या है। मैन्युफैक्चर की जब डेफिनेशंस देखेंगे इसके बाद, ये वाली, तो तुम लोग को ये समझ में आएगा अमाउंट टू मैन्युफैक्चर, या शेड्यूल 3 क्या है, शेड्यूल 2 क्या है, शेड्यूल 3 क्या है, ये तुम लोग को किसमें सीखने को मिलेगा, मैन्युफैक्चर में। बेसिकली अभी केवल इतना जानो जो मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा आश्चर्य होगा। सीटा 1985 को अब मैं बोलूँगा। एक्साइजेबल गुड्स की डेफिनेशन सेक्शन 2D में बोला गया है, द गुड्स विच आर स्पेसिफाइड, केवल वही गुड्स एक्साइजेबल गुड्स हैं, केवल वही गुड्स एक्साइजेबल हैं जो सीटा 1985 में लिखे हुए हैं। मेरी बात समझे, फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकेंड शेड्यूल, the goods which are specified in the first and second schedule of CETA 1985 as being subject to a duty of excise includes namak, salt. The goods which are specified in CETA 1985, the goods which are specified in the first and second schedule of CETA 1985 as being subject to a duty of excise and includes salt, वो एक्साइजेबल गुड्स है। आने दो, अभी मैंने खत्म नहीं किया मेरे लाल, अभी तो मैंने आ रहे हैं।
नहीं समझे यहां पर कोई भाई, जाहिर सी बात है टैरिफ रेट दे रखा है, टैरिफ रेट का मतलब इस सामान पर इतना रेट, इस सामान पर इतना रेट लिखा है, इस पर कोई रेट नहीं लिखा है, ये है ही नहीं पूरी सीटा में, ये शामिल नहीं है बुक, तो क्या इस पर टैक्स लगा देंगे? इसका मतलब वो एक्साइजेबल गुड्स है ही नहीं। कोई चीज जो टैरिफ में नहीं दी है इसका मतलब वो एक्साइजेबल है ही नहीं। कोई चीज जो टैरिफ में है ही नहीं तो एक्साइजेबल कैसे मान लोगे? एक्साइजेबल तो वही होगी जिस पर रेट ऑफ ड्यूटी दी हुई है, और रेट ऑफ ड्यूटी कहां दी होती है? फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल ऑफ सीटा 1985। एज बीइंग सब्जेक्ट टू अ ड्यूटी ऑफ एक्साइज, एज बीइंग सब्जेक्ट टू अ ड्यूटी ऑफ एक्साइज एंड इट इंक्लूड सॉल्ट, इसका मतलब नमक भी एक्साइजेबल होता है। सुन लेना, सुन लेना, बच्चे ने क्वेश्चन पहले ही पूछ लिया, नहीं भी पूछते तो मैं आता। दांडी नमक, कंपनी का नाम नहीं बता रहा मैं, दांडी यात्रा, महात्मा गांधी का याद होगा, नमक तोड़ो आंदोलन, हिंदुस्तान में रहते हो और समुद्र में से नमक निकालते हो और आज तुम नमक पर टैक्स लगा रहे हो, कल हवा लेने पर भी टैक्स लगाओगे। नहीं समझे? कल सांस लेंगे गवर्नमेंट कहेगी एक सांस लोगे एक रुपया दोगे, तो काउंट करो, आज नमक पर टैक्स लगा रहे हो, ऐसे कैसे? अरे वो तो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, समुद्र से आ रहा है ना, हम केवल उसको प्रोसेस करके आप तक पहुंचाते, तो नमक पर टैक्स नहीं है। एक्साइजेबल है, दिमाग में से मत निकाल दो कि नमक पर टैक्स नहीं, नमक पर टैक्स रेट है जीरो रेट है। कौन सा रेट है? जीरो रेट। तो जीरो रेट इज अ रेट ऑफ ड्यूटी, निल रेट इज अ रेट ऑफ ड्यूटी। अगर किसी पर जीरो रेट है या निल रेट है, इट डजंट मीन एट ऑल दैट द गुड्स आर नॉट एक्साइजेबल, गुड्स आर एक्साइजेबल एंड वी आर चार्जिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स देयर अपॉन, बट विद द रेट ऑफ जीरो, बट विद द रेट ऑफ जीरो। इज इट क्लियर? पक्की बात है। तो जीरो रेट इज अ रेट ऑफ ड्यूटी, निल रेट इज अ रेट ऑफ ड्यूटी, और मैं ये नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है निल रेट इज अ रेट ऑफ ड्यूटी का, पक्की बात है ना। तो ये कहना कि नमक एक्साइजेबल नहीं है, ना नमक एक्साइजेबल है, टैरिफ एक्ट में पाया जाता है, लेकिन रेट ऑफ ड्यूटी उसकी जीरो है, इसीलिए कहा जाता लिखा अलग से एंड इंक्लूड सॉल्ट। तो जीरो रेट का मतलब ये मत समझना कि एक्साइजेबल गुड्स नहीं है। मैं फिर से बोलता हूँ, एक्साइजेबल गुड्स डिफाइंड अंडर सेक्शन 2D, 2 सबसेक्शन D। एक्साइजेबल गुड्स मीन्स द गुड्स विच आर स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट एंड सेकेंड शेड्यूल ऑफ सीटा 1985 एज बींग सब्जेक्ट टू अ ड्यूटी ऑफ एक्साइज एंड इंक्लूड्स सॉल्ट। समझ में आया? आ रहा है, यहाँ जा रहा है ना, पक्का ना? तो हमारा एक्साइजेबल गुड्स तो समझ में आ गया सर। आगे से हमें अगर कभी डाउट होगा कि कोई सामान एक्साइजेबल है या नहीं, सबसे पहले क्या देखेंगे? नहीं, पहले ये देखेंगे कि वो गुड्स हो, और उसके बाद सीटा में जाकर के देखेंगे, ठीक है ना? यानी ये सारी कंडीशंस सेटिस्फाइड करेंगे। गुड्स होना चाहिए, इंडिया में मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस हुआ होना चाहिए, और सीटा में मेंशन होना चाहिए फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल में। इज इट क्लियर? हाँ या ना? तो अब मैं आप लोगों को एक चार्ट बनाता हूं। हटा दें इसको, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, एक्साइजेबल गुड्स नॉट एक्साइजेबल गुड्स, नॉन एक्साइजेबल गुड्स का मतलब नॉट कवर्ड इन सीटा, बोलो ना, नो एक्साइज ड्यूटी, बोलते क्यों नहीं?
नॉन ड्यूटीएबल गुड्स, एक्साइजेबल है लेकिन ड्यूटीएबल नहीं। निल रेट क्या ड्यूटीएबल है? ना। जीरो रेट या फिर 100% एग्जेम्प्टेड गुड्स बोलते क्यों नहीं? ये नॉन ड्यूटीएबल है, एक्साइजेबल हैं लेकिन निल रेट के कारण अमाउंट नहीं आ रहा कुछ, ड्यूटी नहीं लग रही कुछ, जीरो होने के कारण ड्यूटी नहीं आ रही कुछ, 100% एग्जेम्प्टेड हैं, ड्यूटी नहीं आ रही कुछ, ये नॉन ड्यूटीएबल है। ड्यूटीएबल गुड्स अब अगर ड्यूटीएबल गुड्स हाथ में आ गया तो फिर दो चीजें देखेंगे, कि सामान मूवेबल है या नॉन मूवेबल या इमूवेबल बोल सकते हो। अगर इमूवेबल है तो नो एक्साइज ड्यूटी, अगर मूवेबल है तो दो चीजें होंगी, मार्केटेबल है या नॉन मार्केटेबल है। सारी चीजें जो अब तक मैंने बताई उनको एक जगह कर रहे हैं, क्या दिक्कत है क्या? अगर नॉन मार्केटेबल है तो नो एक्साइज ड्यूटी, और मार्केटेबल है तो यस एक्साइज ड्यूटी विल बी लेविड। और हम केवल इसी की बात करने के लिए कहानी पूरी बताए। बोलो समझ में आया? एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था है नहीं था। कहा जाता था जो 100% एग्जेम्प्टेड गुड्स होते हैं ना वो नॉन एक्साइजेबल होते हैं, और ये मैं नहीं बोल रहा, हाई कोर्ट्स ने बोला था। लेकिन बाद में कुछ और हाई कोर्ट के डिसीजंस आए, उन्होंने कहा ना जो 100% एग्जेम्प्टेड गुड्स होते हैं दे आर द एक्साइजेबल गुड्स। हाँ वो एक्साइजेबल गुड्स के नॉन ड्यूटीएबल गुड्स में शामिल हो जाएंगे लेकिन वो एक्साइजेबल हैं, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को कंफर्म कर दिया था, और बिल्कुल सही बात है। जानते हो क्यों? रीजन क्या है? ये हटा सकते हैं ना? रीजन इसके पीछे ये है कि मान लो अगर मैंने आपको सामान बेचा, मान लो मैंने आपको क्या किया, सामान बेचा, और सामान बेचा टू फलाना एंड डिमाका को, एड्रेस लिख देंगे, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना सामान की, क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन वैल्यू, यहां लिखा मैंने 10,000 का सामान, टैक्स रेट है 10%, 1,000 टोटल कितना 11,000। उसके बाद मैं लिखूंगा माइनस एग्जेम्पशन ऑफ ड्यूटी अंडर नोटिफिकेशन नंबर जो एग्जेम्पशन मिलता है ड्यूटी का वो फॉर द टाइम बीइंग होता है, और उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन रिलीज करती है, और जब नोटिफिकेशन रिलीज करेगी दैट इज नॉट ऑफ परमानेंट नेचर, That is for the time being.
जब तक वो टाइम चल रहा है बेटा 1000 माइनस करते रहो, दैट इज योर 100% एग्जेम्पशन। माइनस करते रहो, माइनस, जिस दिन वो एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन हट गया या उसका टाइम पीरियड खत्म, बस ये माइनस नहीं करोगे, बाकी तो ड्यूटी लग गई ना, तो ये ड्यूटीएबल गुड्स की कैटेगरी में आता है, एक्साइजेबल गुड्स की कैटेगरी में आता है। किसमें आता है? एक्साइजेबल गुड्स की नॉन ड्यूटीएबल कैटेगरीज में आता है, जब तक वो नोटिफिकेशन वर्क करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी बेसिस पर उसका डिसीजन दिया था। इज इट क्लियर? हटा दें इसको, अब तो दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारा 100% एग्जेम्पशन जो गुड्स होता है वो एक्साइजेबल होता है लेकिन नॉन ड्यूटीएबल होता है। यहां तक कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, समस्या हो, डाउट हो, पूछ सकते हो। मैंने लास्ट क्लास में तुम लोग को बताया था मूवेबल का मतलब क्या होता है। द गुड्स विच कैन बी ब्रिंग इन टू द मार्केट दैट इज मूवेबल एंड कैपेबल ऑफ बींग सोल्ड इन द मार्केट मीन्स मार्केटेबल। यही तो बताया था। तो गुड्स मस्ट बी मूवेबल एंड मार्केटेबल। जिस गुड्स को आप ला सको और बेच सको उसको मूवेबल एंड मार्केटेबल कहते हैं। मैन्युफैक्चर की क्या डेफिनेशन दी है? मैन्युफैक्चर की सेक्शन 2 सब सेक्शन एफ, ढंग से सुनना और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां से हम लोग का थोड़ा टफनेस लेवल बढ़ता जाएगा। अभी तक तो बेसिक चीजें और हम लोग केवल डेफिनेशन पार्ट देख रहे थे। मैन्युफैक्चर भी डेफिनेशन में ही आएगी लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है, ढंग से सुनना। तीन पार्ट में तोड़ा गया है डेफिनेशन को। कितने पार्ट में? मैन्युफैक्चर वर्ड को तीन पार्ट में तोड़ा गया है, सेक्शन 2 सब सेक्शन एफ। और मैन्युफैक्चर मीन्स अ प्रोसेस, मैन्युफैक्चर मीन्स अ प्रोसेस, मैन्युफैक्चर मीन्स अ प्रोसेस। हम एक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैन्युफैक्चरर। मैं किसी बंदे की बात नहीं कर रहा। वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वर्ड मैन्युफैक्चर मीन्स अ प्रोसेस। हाँ या ना? तो कहा गया मैन्युफैक्चर इंक्लूड्स एनी प्रोसेस। तीन पार्ट हैं जिसमें से अब मैं पहला बोलने जा रहा हूं, बहुत सिंपल है। पहले में ज्यादा चिल्लम चिल्ली वाला केस नहीं है। मैन्युफैक्चर इंक्लूड्स एनी प्रोसेस। इंसिडेंटल और एंसिलरी टू द कंप्लीशन ऑफ अ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। इंसिडेंटल और एंसिलरी, यानी ये अगर हमारा गुड है इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है तो इसको हम मैन्युफैक्चर बोलेंगे। अगर इस पेन को बनाने में किए गए, इस पेन को कंप्लीट यूनिट बनाने में किए गए प्राथमिक और सहायक, इंसिडेंटल और एंसिलरी, इंसिडेंटल और एंसिलरी सपोर्टिव, मेन प्रोसेस और सपोर्टिव प्रोसेस, इंसिडेंटल एंड एंसिलरी टू द कंप्लीशन ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। इंसिडेंटल एंड एंसिलरी टू द कंप्लीशन ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, इस मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को बनाने में किए गए प्राथमिक और सहायक प्रोसेस। इज इट क्लियर? बहुत सिंपल है, इसमें तो हमें कोई डिस्कशन करना ही नहीं। यानी किसी भी सामान को बनाने में जितने भी प्रोसेस होते हैं, ऑल दोज प्रोसेसेस आर नोन एज अ पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चर। पॉइंट नंबर टू जिसके बारे में अब हमें डिस्कस करना है, पॉइंट नंबर थ्री। पॉइंट नंबर टू एंड पॉइंट नंबर थ्री, नींद आ रही है। क्यूमुलेटिव बोथ आर नोन एज डीम्ड मैन्युफैक्चर। क्या बोला जाता है उनको? अमाउंट टू मैन्युफैक्चर। पॉइंट नंबर टू, मैन्युफैक्चर इंक्लूड्स एनी प्रोसेस। फिर से मैं बोलता हूं, अब सीधे पॉइंट नंबर टू पर कूदता हूं। मैन्युफैक्चर इंक्लूड्स एनी प्रोसेस विच इज स्पेसिफाइड इन रिलेशन टू अ गुड्स, विच इज स्पेसिफाइड इन अ रिलेशन टू अ गुड्स, टू एनी गुड्स इन द सेक्शन और चैप्टर नोट्स ऑफ द शेड्यूल्स ऑफ सीटा 1985 एज अमाउंट टू मैन्युफैक्चर। और मैंने तुमको पहले भी बोला था काम आएगा। जो शेड्यूल्स हैं देखो यहां पर आ गए। कोई प्रोसेस नहीं है, कोई मैन्युफैक्चर का प्रोसेस नहीं हुआ, इंसिडेंटल और एंसिलरी नहीं है, उसको हम कहते हैं प्रोसेस नहीं है। लेकिन बावजूद हम उसको कहेंगे प्रोसेस है। बड़ी स्टील की रॉड है, छोटे 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 पीसेस में काट दो। पहले भी रॉड बोल रहे थे, अभी भी स्टील की रॉड बोल रहे हैं, क्या मैन्युफैक्चर हो गया? हाँ हो गया।
क्यों? क्योंकि वो सीटा में मेंशन्ड है कि अगर आप कोई इस तरह का काम करते हैं तो इस तरह का प्रोसेस भी अमाउंट टू मैन्युफैक्चर माना जाएगा। अगर आप इस तरह का कोई काम करते हैं तो उसको भी हम लोग अमाउंट टू मैन्युफैक्चर मानेंगे। हाँ या ना? पॉइंट नंबर थ्री, अभी डिटेल में बात करेंगे इस पर, चिंता मत करना। पॉइंट नंबर थ्री, मैन्युफैक्चर इंक्लूड्स एनी प्रोसेस। अब सीधे तीसरे की बात करते हैं, विच इंक्लूड्स एंड रिलेशन टू अ गुड स्पेसिफाइड इन द थर्ड शेड्यूल। स्पेसिफिकली फर्स्ट टाइम ये थर्ड शेड्यूल की बात कर रहा है। मैंने शुरू में कहा था ना तीन शेड्यूल्स हैं, 1, 2, 3, लेकिन जब हमने एक्साइजेबल गुड्स की डेफिनेशन दी थी तो उसमें बताया था एक्साइजेबल गुड्स मीन्स द गुड्स विच आर स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट एंड सेकेंड शेड्यूल ऑफ द सीटा 1985 एज बींग सब्जेक्ट टू अ ड्यूटी ऑफ एक्साइज एंड इंक्लूड सॉल्ट। तो केवल फर्स्ट और सेकेंड शेड्यूल की बात की थी, वहां पर तीसरे शेड्यूल की बात नहीं की गई थी। ये पहली बार है जब मैन्युफैक्चर में हम लोग शेड्यूल नंबर तीन की बात कर रहे हैं। क्या है आखिर शेड्यूल नंबर तीन में, क्या चीज दी है शेड्यूल नंबर तीन में? चाय पत्ती देखी है? वो तुमने छोटे छोटे पैकेट देखे होंगे। बड़े बॉक्सों में चाय पत्ती देखी है, क्विंटल में? लकड़ी के कार्टून होते हैं, पतले पतले कार्टून होते हैं, उसमें पूरा सील पैक रहता है, 100-100 किलो का पैकिंग होता है। ऐसे नहीं आधे आधे किलो, 100-100 ग्राम का पैकिंग होता है, वहाँ से आता पूरे बड़े बड़े पैकेट्स में। हम खरीद करके लाए आसाम से और चाय पत्ती का मैंने अपना ब्रांड बनाया, मनोरंजन ब्रांड। चाय पियो, मनोरंजन करो, है ना? उसमें मैंने चाय पत्ती डाली, 100-100 ग्राम का पैकेट, 200-200 ग्राम का पैकेट। अब बताओ, मैं केवल रीपैकिंग का काम कर रहा हूं, क्या नई चाय पत्ती बन गई? पहले भी वो चाय पत्ती, अभी भी वो चाय पत्ती। क्या मैन्युफैक्चर हो गया? लेकिन रीपैकिंग हो गया, रीपैकिंग हो गया। ग्लूकॉन डी के पैकेट, ग्लूकॉन डी का बक्सा देखियो, वो भी 100-100 किलो के आते हैं। जो तुम लोग ग्लूकॉन डी लेते हो, छोटा सा पैकेट, 40 रुपये, 50 रुपये का, 60 रुपये का, उसका 100-100 किलो में पैकिंग आता है। उसको मैंने खरीदा और मैंने उसको एक नया ब्रांड दिया। क्या ब्रांड दिया होगा? पैरेट ब्रांड ग्लूकॉन डी। अब मैंने उसमें चाय, वो क्या कहते हैं, ग्लूकॉन डी डाला और उसको बेचना शुरू किया। क्या मैंने कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किया? किया। ये मैं नहीं बोलता, सीटा बोलता है, और सीटा का थर्ड शेड्यूल बोलता है। ये पेन मैंने खरीदी मैन्युफैक्चरर से, 10,000 पेन खरीदी, मुझे बेचना है अपने नाम से। उसका स्टिकर फाड़ा, अपना स्टिकर जड़ दिया। क्या मैन्युफैक्चर हो गया? हो गया। लेबलिंग और रीलेबलिंग भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में आता है, और ये शेड्यूल थ्री बोलता है। पैकिंग, रीपैकिंग, लेबलिंग, रीलेबलिंग। इज इट क्लियर? मैं पढ़ता हूँ अब पॉइंट नंबर थ्री। मैन्युफैक्चर इंक्लूड्स एनी प्रोसेस विच इन रिलेशन टू द गुड्स इन द थर्ड शेड्यूल ऑफ सीटा इन्वॉल्विंग पैकिंग और रीपैकिंग, लेबलिंग और रीलेबलिंग। हाँ या ना? इंक्लूडिंग द डिक्लेरेशन और अल्टरेशन इन द रिटेल सेल प्राइस ऑन इट और एडॉप्शन ऑफ एनी अदर ट्रीटमेंट ऑन द गुड्स टू रेंडर द प्रोडक्ट मार्केटेबल टू द कंज्यूमर। दैट्स इट। आप चाहे पैकिंग करो, रीपैकिंग करो, लेबलिंग करो, रीलेबलिंग करो, प्राइस को निकाल, अपनी प्राइस चिपकाओ, कुछ भी करो, अल्टरेशन करो, वो सारे के सारे हमारे शेड्यूल नंबर थ्री में कवर्ड होंगे। अगर कवर्ड है शेड्यूल नंबर थ्री में तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मान लिया जाएगा और उस पर ड्यूटी लग जाएगी। अगर नहीं है तो दैट इज नॉट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और उस प्रोसेस पर हमारी ड्यूटी नहीं लगेगी। इज इट क्लियर? अब समझ में आया? बेसिकली अगर हम सीटा की बात करें तो तीन शेड्यूल हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। हाँ या ना? मैंने तुम लोगों को शायद एक चीज लिखाना छूट गई, इसीलिए तुम लोग को डाउट हो रहा है। फर्स्ट शेड्यूल मैंने बताया तुम लोग को बेसिक एक्साइज ड्यूटी, शायद मैंने तुम लोग को सेकंड शेड्यूल नहीं लिखवाया, या स्पेशल एक्साइज ड्यूटी में ये नहीं लिखवाया कि सेकंड शेड्यूल ऑफ सीटा, शायद नहीं लिखवाया। तो जहां टाइप्स ऑफ ड्यूटी मैंने लिखवाई है,
वहां पर स्पेशल या स्पेसिफिक एक्साइज ड्यूटी पर चले जाओ और वहां लिख दो कवर्ड अंडर सेकंड शेड्यूल ऑफ सीटा। शायद तुम लोग के डाउट्स दूर हो जाएं जो तुम लोग बार बार ऐसे देख रहे हो। सेकंड शेड्यूल ऑफ सीटा, जहां स्पेशल एक्साइज ड्यूटी या स्पेसिफिक एक्साइज ड्यूटी लिखवाई है उसके आगे लिख दो कवर्ड अंडर सेकंड शेड्यूल ऑफ सीटा, ठीक है ना। तो हम लोग का फर्स्ट शेड्यूल में कवर होगा क्या? बेसिक एक्साइज ड्यूटी। सेकंड शेड्यूल में कवर क्या होगा? स्पेशल एक्साइज ड्यूटी। और शेड्यूल थ्री में क्या आ गया? जो मैन्युफैक्चर में दिया, अमाउंट टू मैन्युफैक्चर। अब क्लियर हो गया होगा कि तीनों शेड्यूल में क्या क्या दिया है। वापस आते हैं मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन पर। अब मैं तीनों लाइनें एक साथ पढ़ूंगा जो मैंने अलग अलग पार्ट पार्ट में पढ़ा। बोलो बेसिक एक्साइज ड्यूटी फर्स्ट शेड्यूल, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी सेकंड शेड्यूल, अमाउंट टू मैन्युफैक्चर जानना है तो थर्ड शेड्यूल। इज इट क्लियर? अमाउंट टू मैन्युफैक्चर। अच्छा अब आते हैं तीनों पढ़ते हैं। मैन्युफैक्चर इंक्लूड्स एनी प्रोसेस विच इज इंसिडेंटल और एंसिलरी टू द रिलेशन ऑफ कंप्लीशन ऑफ अ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। इज इट क्लियर? पॉइंट नंबर टू, मैन्युफैक्चर इंक्लूड्स एनी प्रोसेस इन रिलेशन टू अमाउंट टू मैन्युफैक्चर, विद रिलेशन टू अमाउंट टू मैन्युफैक्चर। कौन सा अमाउंट टू मैन्युफैक्चर? कौन सा अमाउंट टू मैन्युफैक्चर? जो सीटा में मेंशन्ड है। क्या मेंशन्ड होगा इसमें? बड़ी रॉड को छोटी रॉड में काटना, हाँ है ना। विच इज स्पेसिफाइड इन सीटा एज अमाउंट टू मैन्युफैक्चर। बस जो सीटा में मैंशनड है कि ये अमाउंट टू मैन्युफैक्चर है। और लास्ट मैंने बताया जो थर्ड शेड्यूल में मैंशनड है। किसमें मैंशनड है? थर्ड शेड्यूल में क्या मैंशन होगा? लेबलिंग, रीलेबलिंग, पैकिंग, रीपैकिंग, अल्टरेशन और चेंजेस इन द प्राइस, हाँ या ना। अब जब मैंने हाँ बोल लो अमाउंट टू मैन्युफैक्चर और एग्जांपल बता दें। तुमने तो मुझे मुश्किल में डाल दिया। ब्रेड आती है, साबुन निकलता है, मशीन से साबुन निकलता है, वो इतने छोटे छोटे साबुन नहीं निकलते जितने तुम लोग जानते हो, इतना बड़ा साबुन भी निकलता है, ऐसे लंबा निकलता है, नहीं देखा है ना। अगर उसको छोड़ दो तो निकलता चला जाएगा, लंबा होता जाएगा, एक किलोमीटर तक वो साबुन का निकलता जाएगा। अब एक किलोमीटर को 100 लोग पकड़ेंगे, बीच में ऐसे ऐसे कपड़ा धोएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कभी देखो साबुन छोटा मिलता है, कभी साइज बड़ी मिलती है, तो कट करते हैं उस साबुन को। दैट इज़ योर अमाउंट टू मैन्युफैक्चर, दैट इज़ द प्रोसेस। जबकि वो नहीं भी कट करते तो भी वो साबुन कहलाता है। अब कटने के बाद भी वो साबुन है, लेकिन उसको मार्केटेबल लाने के लिए उसको एक पीस में बनाना जरूरी। इज इट क्लियर? ये किसने कहा शेड्यूल सेकंड है? ये तो मैंने नहीं कहा शेड्यूल सेकंड। फर्स्ट शेड्यूल आपका बेसिक एक्साइज ड्यूटी, सेकंड शेड्यूल आपका स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, थर्ड शेड्यूल आपका अमाउंट टू मैन्युफैक्चर या कह सकते हो डीम्ड मैन्युफैक्चर। इज इट क्लियर? अच्छा जी, अब एक केस लॉ आया। मैन्युफैक्चर से हम समझते क्या है एग्जैक्टली? मैन्युफैक्चर का मतलब क्या होता है? एक्साइज ड्यूटी तो मैन्युफैक्चर पे लगेगी और मैन्युफैक्चर के लिए आपने बता दिया ये तीन पॉइंट, लेकिन हम कब मानेंगे कि मैन्युफैक्चर प्रोसेस हुआ? अब हम कब मानेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हुआ? डेफिनेशन कंप्लीट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा और उन्होंने जो तीन लाइनें लिखी हैं मैं पढ़ता हूं, बहुत आराम से सुनना। मैन्युफैक्चर इंप्लाइज अ चेंज, मैन्युफैक्चर में चेंज शामिल होता है, यानी मैन्युफैक्चर का मतलब चीजों में बदलाव। मैन्युफैक्चर का मतलब चीजों में बदलाव। मैन्युफैक्चर इंप्लाइज अ चेंज बट एवरी चेंज इज नॉट अ मैन्युफैक्चर, बट एवरी चेंज इज नॉट अ मैन्युफैक्चर एंड येट चेंज ऑफ एन आर्टिकल इज द रिजल्ट ऑफ। और ऐसा आर्टिकल में चेंजेस हो रहा है किसके कारण, किसका परिणाम है? मैन्युफैक्चर इंप्लाइज अ चेंज बट एवरी चेंज इज नॉट अ मैन्युफैक्चर एंड येट। अभी भी चेंज किसका परिणाम है?
अगर आर्टिकल में चेंजेस आते हैं तो किस चीज का परिणाम है, जाहिर सी बात है लेबर का। इज द रिजल्ट ऑफ द ट्रीटमेंट लेबर एंड मैन्युपुलेशन बट समथिंग इज नेसेसरी, और इससे भी इंपॉर्टेंट चीज है, मैन्युफैक्चर इंप्लाइज अ चेंज, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बट समथिंग इज नेसेसरी एंड देयर मस्ट बी ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन हो जाए, कन्वर्जन हो जाए, ट्रांसफॉर्मेशन, अ न्यू एंड डिफरेंट आर्टिकल मस्ट इमर्ज, एक नई आर्टिकल इमर्ज होनी चाहिए। अब ये बुक्स है, बुक्स बन करके तैयार है, इस पर हमने ग्लू नहीं लगाया, अभी इसको मैंने सील नहीं किया, मीन्स पैकिंग नहीं हुई, पैकिंग का मतलब ये क्या कहते हैं इसको, बाइंडिंग नहीं हुई, तो बाइंडिंग नहीं हुई और बाइंडिंग करना बाकी है, तो क्या ये किताब है, तुम खरीद लोगे, किताब तो है लेकिन तुम खरीदोगे नहीं जब तक कि बाइंडिंग ना हो जाए, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आ गई, और हम तब तक इसको किताब नहीं कह सकते जब तक कि बाइंडिंग ना हो जाए, तब तक तो ये खुले पन्ने हैं, हाँ या ना, तब तक तो ये पन्ने हैं, जब तक ये बाइंड ना हो जाए ये किताब नहीं कहलाएगी। तो कहा गया देयर मस्ट बी अ ट्रांसफॉर्मेशन, अ न्यू एंड डिफरेंट आर्टिकल मस्ट इमर्ज हैविंग अ डिस्टिंक्टिव नेम कैरेक्टर और यूज, नई आर्टिकल मर्ज होनी चाहिए नए नाम से, नए फीचर और नए कैरेक्टर के साथ और नए प्रयोग के साथ, हाँ या ना, हाँ या ना, मैन्युफैक्चर का मतलब नया सामान आना चाहिए, नए नाम, नए काम और नए कैरेक्टर्स के साथ, इज इट क्लियर। ये किसने बोला, सुप्रीम कोर्ट का था, और कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब इन तीन चीज़ों में चेंज हो, नाम में, काम में और उसके कैरेक्टर में, ये चीज़ें इमर्ज होनी चाहिए, जैसे ही कोई चीज़ इन चीज़ों में इमर्ज होती है हम उस पर एक्साइज ड्यूटी या उसको कह सकते हैं मैन्युफैक्चर हो गया, दैट्स इट। बताओ यहाँ, बोलो 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 बोलो, क्या करते हैं, रीलेबलिंग, हाँ मैंने कहा आपको कि रीलेबलिंग डजंट मीन कि एक नया सामान बन गया, लेकिन उसको स्पेशली शेड्यूल 3 में डाला ही इसलिए गया है। एक बात बताओ, ये पेन अगर मैं बेचूं मनोरंजन के नाम से और ये मैं पेन बेचूं कैमलिन के नाम से, कौन सी पेन ज़्यादा बिकेगी, क्यों, पेन तो वही है, तो बात ख़त्म हो गई ना, तुम खुद कह रहे हो ना, यानी सामान को मार्केटेबल बनाने के लिए ज़रूरी था लेबल लगाना, वो डिस्टिंक्टिव नेम कैरेक्टर यूज, अब समझ में आई बात, यूज तो सेम है लेकिन नाम तो बदल गया, उसके लिए दिमाग में आपकी छाया बदल गई, मार्केटेबिलिटी में इम्प्रूवमेंट हो गया, और स्पेशली इसको इसीलिए शेड्यूल 3 में डाला गया है ताकि जो कन्फ्यूज़न है वो ना आने पाए, उसमें इसी को शामिल किया गया, लेबलिंग रीलेबलिंग। पैकिंग रीपैकिंग में कौन सा सामान बन गया, सामान तो वही रहा, पैकिंग के पहले भी रीपैकिंग के पहले भी, बड़े गत्ते में भी वही था, छोटे गत्ते में भी वही है, तो उसको हम लोग अमाउंट टू मैन्युफैक्चर या डीम्ड मैन्युफैक्चर मानते हैं। हाँ, अल्टरेशन इन प्राइस है, हो जाएगा, स्पेशली वो शेड्यूल 3 में मेंशन्ड होना चाहिए, हर लेबल के चेंज नहीं, स्पेशली वो शेड्यूल 3 में मेंशन्ड होना चाहिए, शेड्यूल 3 में मेंशन्ड होगा तो है, अमाउंट टू मैन्युफैक्चर है, शेड्यूल 3 में मेंशन होगा तो है, फिर वही बात, मैंने क्या बोला, शेड्यूल 3 में कोई चीज़ है तो वो अमाउंट टू मैन्युफैक्चर है, डीम्ड मैन्युफैक्चर है, बात खत्म, अब इसके आगे बात मत करो, अगर नहीं है तो समझ लो जैसे तुम लोग जानते हो, तुम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो शेड्यूल 3 जान लो, अगर शेड्यूल में किसी आइटम को लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो अमाउंट टू मैन्युफैक्चर है, डीम्ड मैन्युफैक्चर है, अगर उसमें नहीं लिखा है तो जो तुम जानते हो तो वो सही जानते हो, बात खत्म हो गई, क्लियर है, जो तुम आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो ना तो हम भी तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे, हाँ बात तो सही है, कोई मैन्युफैक्चर नहीं है, लेकिन तुम अगर कहोगे नहीं है और शेड्यूल 3 में लिखा है तो मैं कहूंगा उधर हो जाओ किनारे, अमाउंट टू मैन्युफैक्चर है, इज इट क्लियर। देख लेते हैं आपके कुछ छोटे छोटे पॉइंट छूटे हुए होंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग का चैप्टर नंबर 1 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, छोटे मोटे पॉइंट बचे हुए हैं।
किसी को यहाँ तक थोड़ी भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। हम लोग का नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 1 फिनिश हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो पूछो, नहीं है टाटा बाय बाय कर दे। क्या भी पढ़ने का मन कर रहा है? नहीं कर रहा ना, थक गए ना? थ्योरी है, बोझ लगता है, ये तो मान लो। जब तक इसके प्रैक्टिकल स्टार्ट नहीं होंगे तब तक थोड़ा ये बोझ लगेगा, लेकिन है बड़ी मज़ेदार चीज़। थैंक यू बच्चों।